सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, आईपीएल 11 में विराट कोहली के अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का रास्ता एक बार फिर से खोल दिया है और किंग्स 11 पंजाब के लिए और मुश्किलें खड़ी हो गई है। कल के मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। पंजाब के ओपनर बल्लेबाज के एल राहुल के आउट होते ही विकेटों की झड़ी लग गए और पूरी पंजाब की टीम सिर्फ 88 रनों पर ही ढेर हो गई। बेंगलोर की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट उमेश ने 3 विकेट लिए 88 रनों का पीछा करने उतरी बेंगलोर की टीम में कप्तान कोहली और पार्थिव पटेल ने बिना विकेट खोए ही ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई के लिए प्लेऑफ में पहुंचना आसान। आरसीबी के शानदार जीत के बाद पंजाब पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान से पांचवें स्थान पर आ गए हैं और मुंबई इंडियंस छठे नंबर पर, लेकिन रन रेट के मामले में सबसे आगे है। ऐसे में अब अगर मुंबई अपना बचा हुआ दोनों मैच जीत जाती है और राजस्थान कोलकाता या पंजाब एक भी मैच हारती है तो मुंबई इंडियंस सीधे तौर पर प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। यही कंडीशन बेंगलोर के टीम पर भी लागू होता है। इन चारों टीम में से कौन प्लेऑफ में जगह बना पाएगा, आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपने गा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।